आदित्य ज्योतिरादित्य बाबू बेचती है भविष्य विधायक। अच्छा करा दोस्त, पीढ़ियों की परंपरा किसे भूलेगा तू भाई। झांसी की रानी के पीठ में खंजर फूंका, बहुत पुरानी बात हो गई। लोगों को अपन पढ़ देना, अपनी किताब में है लिखी हुई। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। अच्छा अभी दिन यार, अभी काम जो बहुत टेम हुई है तो भैया क्या हुआ कि उनको छोरा मारा दादी जी, डीपी मिश्रा की सम्मी सरकार। ये 50-50 साल में एक एपिसोड देते हैं सिंधिया खानदानों। डीपी मिश्रा की अच्छी चलती सरकार, सम्मी सरकार गिराई। अब मैंने एक टीवी चैनल को कहा कि माधव सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बना ली थी, विकास पार्टी, तो कई बिच्छू उछले ग्वालियर से। महाराज की बेइज्जती की, महाराज की बेइज्जती। अबे इतिहास में लिखा गया है कि सिंधिया परिवार जब जब मौका आएगा पीठ में छुरा भोंकेगा। ये उसकी आखिरी पीढ़ी का आदमी ज्योतिरादित्य, कर दिया चमत्कार उनने। वंश परंपरा कैसे भूल सकता सज्जन वर्मा, पहलवानी परिवार का, ओम पहलवान खजराना वाले का छोटा भाई, जो अभी भी रहता है कृष्णा में। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि कमलनाथ जी एक विजन लेके इस प्रदेश में आए। जो आदमी बहुत बड़े बड़े पद केंद्र सरकार के बैठ चुका हो, शहरी विकास मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, शहरी विकास मंत्री, जाने कितने पदों को, भूतल परिवहन मंत्री सुशोभित कर चुका हो। साथ में विजन, मेरी बुआ